उकाळीतले लोक के जो पानी है वो ज़्यादा से बम्बई लेके जाने वाले हैं और बाकी का पानी गुजरात लेके जाने वाले हैं। डॅम झाला किंवा धरण जर बांधलं तर ह्या लोकांची जी काही परिस्थिती आहे त्यांचे फार हाल होणार। महाराष्ट्र के पालघर जिले की जवाहर तहसील में कुछ दूर दराज के आदिवासी गांवों में लोगों से मिलने के सिलसिले की शुरुआत पाथरडी ग्राम पंचायत से होनी थी। जवाहर से पाथरडी का रास्ता जंगल से होकर गुजरता है। पूरा जंगल गर्मी से झुलसा हुआ नजर आ रहा था, लेकिन जब हम इस गांव के करीब पहुंचे तो कुछ हरियाली के निशान नजर आते थे। इस हरियाली का श्रेय यहाँ से बहती पिंजल नदी को जाता है। भयानक गर्मी के इस मौसम में नदी में भी पानी कम हो जाता है, लेकिन फिर भी यह नदी बारों महीने बहती है। इस ग्राम पंचायत में सबसे पहले हमें सोनगिरीपाड़ा पहुंचना था। वहां तक जाने के लिए हम सड़क को छोड़कर पिंजल नदी के किनारे चल रहे थे। नदी किनारे की इस जमीन के गोल पत्थर बता रहे थे कि बरसात में इस नदी का फैलाव काफी बढ़ जाता होगा। सोनगिरीपाड़ा पिंजल नदी के पार एक पहाड़ी पर बसा है। वहां जाने के लिए गाड़ी को इस पार ही छोड़ना था। हम जरूरी सामान लेकर पैदल ही गांव की तरफ बढ़ते चले गए। ऐसा महसूस हो रहा था कि हम किसी भट्टी में जल रहे हैं। सूरज की चमक आंखें नहीं खुलने दे रही थी। नीचे पथरीली जमीन भी इतनी गर्म थी मानो जूतों के सोल को ही पिघला देगी। सामने से लू की लपटें आ रही थीं जो झुलसा भी रही थीं और चलना भी मुश्किल हो रहा था। चाहिए तो ये था कि तेज कदमों से जितना जल्दी हो सके गांव पहुंच जाएं, लेकिन ऐसा मुमकिन कहां था। पिंजल नदी किनारे बसे इस गांव सोनगिरीपाड़ा में काफी लोगों से देर तक बातें हुईं। इसी बातचीत में उन्होंने अपने मन में बैठे एक डर को हमारे साथ साझा किया। बहुत सालों से इधर चल रहा है कि इधर बहुत बड़ा डैम बनने वाला है, तो हम ये डर कर जी रहे कि यहाँ इतना बड़ा डैम हो जाएगा तो हमें इधर सबको उठाएंगे, बाहर कहीं भी लेके जाएंगे, उधर जगह है नहीं है, किधर भी रखेंगे, तो ऐसे हम डर कर जी रहे इधर। अक्सर जब भूमि अधिग्रहण का मसला आता है तो चर्चा बड़ी परियोजनाओं, जमीन के बदले जमीन या फिर मुआवजा मिलने तक सिमट जाती है। बेशक ये सवाल अहम है, लेकिन आदिवासी इलाकों में विस्थापन का मसला और बड़ा है। जंगल में बसे आदिवासियों की संस्कृति, उनकी धार्मिक आस्थाएं प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। यह एक जीवन शैली है जिसकी पहाड़, नदी और जंगल के बिना कल्पना भी संभव नहीं है। एकंदरीत ह्या भागामध्ये जर डॅम झालं किंवा जे धरण झालं
तर हे भागामध्ये जे आज आम्ही पूर्व आमचे आडवडील किंवा आजोबा पंजोबापासून जे आम्ही जो काही एकंदरीत आदिवासी जे काही सांस्कृतिक जो आम्ही जोपासना करत आलेलो आहोत, हे भागामध्ये एक आदिवासीची संस्कृती आम्ही जोपासलेली आहे. तर जर डॅम झालं तर हे भागातील लोक कोण कुठे जाईल आणि कोण कुठे जाईल हे कोणी कुणा. यह हमारे पुरखों की जमीन है, हम यहां पीढ़ियों से रहते आए हैं. अगर यहां पर बड़ा बांध बन जाता है तो हम बिखर जाएंगे, ना जाने किसको कहां बसाया जाएगा. एक आमची सांस्कृतिक यह भी नहीं पता कि किसको कहां कहां जाना पड़े. सुरुवातीला पता नहीं फिर हम कभी आपस में मिल भी पाएंगे या नहीं. हमारे पुरखों की एक संस्कृति है, जून महीने में जब बारिश शुरू होती है तो हम सब मिलकर जंगल में जाते हैं, अपने देवी देवताओं को सिंदूर लगाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उस मौके पर कावली भाजी बनाते हैं. यह जंगल और हमारे खेतों में नए अंकुर फूटने का उत्सव होता है. अगर हम बिखर जाएंगे तो हमारे पुरखों की ये संस्कृति हमेशा के लिए खत्म हो सकती है. जे काही कोवळी भाजी उगवले जाते, पहिला पाऊस पडतो आणि ते पाऊस पडल्यानंतर नवीन जे रोप तयार उगवतं जंगलामध्ये आणि ती पहिली भाजी ह्या सण आम्ही कोवळी भाजी म्हणून तो साजरा करतो. पहिले सुरुवातीचा कहानी को आगे बढ़ाने से पहले यहाँ के आदिवासियों की डर की वजह और उसकी पृष्ठभूमि का जिक्र शायद जरूरी है. इस गांव के पास से बहने वाली नदी पिंजल को दमनगंगा नदी से जोड़ने की योजना से यह डर पैदा होता है. देश की कई नदियों को जोड़ने की परियोजना पर चर्चा लंबे समय से चल रही है, लेकिन इस साल के बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इनमें से 5 परियोजनाओं की DPR फाइनल हो चुकी है. इन 5 परियोजनाओं में दमनगंगा पिंजल, तापी नर्मदा, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेन्नार और पेन्नार कावेरी शामिल हैं. इन परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने धन उपलब्ध कराने का वादा भी किया है. हाल ही में गुजरात के आदिवासियों के विरोध के कारण राज्य सरकार ने तापी नर्मदा रिवर लिंक परियोजना को खारिज करने का ऐलान किया है. उसी तरह से पिंजल दमनगंगा परियोजना के विरोध की वजह से फिलहाल महाराष्ट्र सरकार भी कदम आगे बढ़ाने में झिझक रही है. सरकार कहती है कि नदियों को जोड़ने के पीछे सूखाग्रस्त इलाकों तक पानी ले जाना और बाढ़ग्रस्त इलाकों को बचाना मकसद है, लेकिन आदिवासी कहते हैं कि सरकार का मकसद उनके पानी को बड़े उद्योगों और मुंबई जैसे महानगरों को देना है. वैसा तो ये ऐसा कुछ नहीं होगा, ये तो कहने वाली बात है, लेकिन यहाँ का जो पानी है वो ज़्यादा से बम्बई लेके जाने वाले हैं और बाकी का पानी गुजरात लेके जाने वाले हैं. उसके बदले में यहाँ ही छोटा छोटा और डैम बनाओ और इधर का जो लोग हैं उनको ही खेती के लिए पानी दे दो, ऐसा हम जरूर चाहेंगे. लेकिन बड़ा डैम हमको नहीं मंजूर है, हम वो नहीं चाहेंगे. पिंजल नदी के किनारे जंगल में बसे इन आदिवासियों के मन में विस्थापन से जुड़े जो डर हैं, उनमें से एक है जीविका खो जाने का डर. इस इलाके में पहाड़ों पर जंगल है, जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद प्रकृति इतना सुनिश्चित कर देती है कि कोई भी आदिवासी भूखा ना सोए. खेती और छोटी मोटी मजदूरी के अलावा यहाँ के आदिवासी जंगल पर ही जिंदा रहते हैं. इसलिए यहाँ के आदिवासी या फिर कहें कि कहीं के भी आदिवासी जिन्हें विस्थापित किया जाता है, उसका पहला डर यही होता है कि अगर उसे किसी ऐसे इलाके में बसा दिया जाए जहां उसके पास जंगल नहीं होगा तो क्या होगा. दूसरा बड़ा डर होता है कि अपने जंगल में वो पीढ़ियों से रहता आया है, वहां के घाट रास्ते वो सब पहचानता है, जंगल के किस हिस्से में कब क्या मिलेगा उसे पता होता है, यह पूरा जंगल उसका होता है. लेकिन अगर उसे कहीं दूसरे जंगल में बसा भी दिया जाता है तो उस जंगल में क्या उसे हिस्सेदारी मिलेगी या फिर उस जंगल को समझने में उसे कितनी पीढ़ियां गुजारनी पड़ सकती हैं, आदि आदि सवाल उसके मन में बने रहते हैं. हे भागामध्ये एकंदरीत जे काही शेती करण्याची पद्धत आहे, म्हणजे भात किंवा नागले किंवा वराई तूर उडीद जी शेती आम्ही हे भागामध्ये करतो. इस इलाके में हम कई तरह की फसल उगाते हैं. हम अपने खेतों में
धान, रागी, उड़द और तूर जैसी फसलें लगाते हैं, लेकिन बारिश के भरोसे खेती होती है और एक ही फसल मिलती है। लेकिन हमारे आसपास जो जंगल है उससे हमें जीने का बड़ा सहारा मिलता है। वो हमारे लिए जीविका का एक बड़ा साधन है। हमारे जंगल में आंवला, हरड़ बहेड़ा, पत्ते और लकड़ी, कई सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम जंगल से जमा करते हैं और हाट में बेचते हैं। इससे हमें कुछ आमदनी हो जाती है। इसके अलावा खाने के लिए जंगल से कई तरह के कांदे भी मिलते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर बड़ा डैम बन जाएगा और हमारा जंगल छूट जाएगा तो ये तय है कि हमारी जीविका खतरे में पड़ सकती है। तो हमारा करता ही नर नहीं। साल 1982 में भारत सरकार ने नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी का गठन किया था। इस एजेंसी का काम भारत की नदियों में उपलब्ध पानी और इस पानी को ट्रांसफर करने की संभावनाएं तलाशना और उनकी व्यवहारिकता का अध्ययन करना है। इस एजेंसी ने हाल ही में पिंजल दमनगंगा लिंक प्रोजेक्ट पर भी एक रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि एजेंसी ने भूगढ़ और खारगिल हिल दो बांधों के प्रस्ताव दिए हैं। इन दो जलाशयों में से एक दमनगंगा नदी पर प्रस्तावित है और दूसरा यानी खारगिल हिल जलाशय वाग नदी पर प्रस्तावित है, जो दमनगंगा की सहायक नदी है। इसके अलावा एक बांध पिंजल नदी पर भी प्रस्तावित है। इन नदियों का पानी ट्रांसफर करने के लिए दो लंबी सुरंगें बनाई जाएंगी। इनमें से एक सुरंग करीब 17 किलोमीटर लंबी होगी और दूसरी करीब 28 किलोमीटर की होगी। इस पूरे प्रोजेक्ट का मकसद इन नदियों के पानी को मुंबई पहुंचाना है। आदिवासी समाजामध्ये जेव्हा या भागामध्ये पूर्ण हा आदिवासी समाज आहे आणि एकंदरीत ह्या भागाची परिस्थिती आहे काय, हा जो धरण जर ह्या भागामध्ये जर डॅम झाला किंवा धरण जर बांधलं तर ह्या लोकांची जी काही परिस्थिती आहे त्यांची फार हाल होणार, म्हणजे ह्या भागामध्ये आज जे वातावरण आहे किंवा एकंदरीत हे लोकांचं जनजीवन। हमारा ये इलाका पूरी तरह से आदिवासी बहुल इलाका है और यह इलाका शहरों से कटा हुआ है क्योंकि शहरों को जोड़ने वाली सड़कें यहाँ पर नहीं हैं। यहाँ पर और भी कई मूलभूत सुविधाएं हैं जिनकी कमी है। हम प्रशासन से चाहते हैं कि उस तरह की सुविधाएं हमें दी जाएं। हमने अपनी पंचायत में ये प्रस्ताव पास किया है कि हमें इस इलाके में बड़े बांधों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर बड़े बांध आते हैं तो यहाँ की जो नैसर्गिक जीवन पद्धति है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। प्रशासन को समझना चाहिए कि आदिवासी प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीता है और वही उसकी जीवन शैली है और उसको बचाया जाना ज़रूरी है। हम यह भी चाहते हैं और हमने इस बारे में पंचायत में प्रस्ताव पास किया है कि हमारे यहाँ पर छोटे छोटे बांध बना दिए जाएं जिससे कि नदी में बारिश का पानी रुक सके। अगर ऐसा किया जाएगा तो नदी के किनारे अभी हमारे जो खेत सूखे रहते हैं उनको पानी मिल पाएगा और हम ज्यादा फसलें और उत्पादन ले पाएंगे। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि दो जलाशयों के लिए कम से कम 30 गांवों को विस्थापित होना पड़ेगा। सरकार की अपनी रिपोर्ट में बताया गया है कि इस परियोजना के लिए कम से कम 2302 परिवार विस्थापित होंगे। दमनगंगा पिंजल लिंक प्रोजेक्ट से पर्यावरण और लोगों पर होने वाले असर का भी अध्ययन किया गया है। जहां एक तरफ यह स्टडी ये मानती है कि विस्थापन लोगों को गरीबी में धकेल सकता है, लेकिन दूसरी तरफ दावा करती है कि यह प्रोजेक्ट इस इलाके में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार पैदा करेगी। अब जरा उन रोजगारों के अवसरों पर नजर डालें जिनके बारे में यह स्टडी दावा करती है। जब बांध बनेंगे तो उसमें काम करने के लिए बड़ी तादाद में लोग बाहर से आएंगे। उनको खाने की जरूरत होगी, चाय पानी और दूसरी चीजों की जरूरत होगी, इसलिए यहां पर स्थानीय लोग राशन की दुकानें, चाय की टपरी, खाने के ढाबे, ट्रकों के रिपेयर और पंचर की दुकानें खोल सकेंगे। इसके साथ ही दावा किया गया है कि यहाँ पर काफ़ी ज़मीन है जिस पर खेती नहीं होती है। उस ज़मीन पर उद्योग लगेंगे जिससे यहाँ रोज़गार पैदा हो सकता है। पिंजल दमनगंगा नदियों को जोड़ने के लिए बनाए जाने वाले बांध और सुरंगों के निर्माण कार्य के दौरान
बेशक इस इलाके में व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ेंगी, लेकिन यह निर्माण कार्य के दौरान ही होगा, यानी रोजगार के जो अवसर पैदा होंगे वो अस्थाई होंगे। दूसरी बात, आदिवासी पूछते हैं कि जो लोग विस्थापित हो जाएंगे उन्हें इन अवसरों का लाभ भला कैसे मिलेगा। इस स्टडी में यह भी माना गया है कि इस इलाके में बाकी आदिवासी इलाकों की तुलना में रोजगार की तलाश में पलायन कम है। इसका कारण यहाँ पर चावल के अलावा दालें भी पैदा की जाती हैं। खेती के साथ साथ जंगल से फल, पत्ते, लकड़ी और औषधि मिल जाती है, जिससे आदिवासी को एक सम्मानजनक जीवन जीने का मौका मिलता है। अगर यहाँ नदी पर छोटे बांध बनाकर साल भर खेती के लिए पानी का इंतजाम हो जाए तो न सिर्फ अधिक फसलें पैदा होंगी और उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि यहाँ चीकू, आम, अमरूद और काजू के बागान लग सकते हैं। जे झाड़ है ते झाड़े जे का फांद्या है आणि ते फांद्या तोडून छाटणी केल्यानंतर जे काय त्याला आम्ही आमच्या भाषेमध्ये किंवा एकंदरीत त्याला आम्ही शिंदाळ म्हणून सांगतो किंवा खांडणी सांगतो। झाडाचे फांदे तोड़। हमारे यहाँ प्लेन में भी खेती होती है और उसके अलावा जंगल की पहाड़ी ढलानों पर भी हम खेती करते हैं। खेती की इस पद्धति में जंगल की भूमि को साफ किया जाता है और पेड़ों की शाखों को काट दिया जाता है। मई जून के महीने में जब पेड़ों के सब पत्ते झड़ जाते हैं तो हम जमीन को साफ करके पत्तों को जमा कर लेते हैं। इन पत्तों को जलाकर उसकी राख को जमीन पर फैला देते हैं और उस पर फिर मिट्टी डाली जाती है। उसके बाद जब बारिश आती है तो उसमें बीज डालते हैं। राब भाजलेला असतो त्याच्यामध्ये जे रोप हे चांगले पद्धतीचे चांगले क्वालिटीचे रोप तयार होतात आणि ते त्याची वाढ ही चांगल्या पद्धतीने होते। पिंजल दमनगंगा नदी जोड़ परियोजना में सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ के आदिवासी अपनी जमीन देने के लिए तैयार नहीं हैं। सरकार आदिवासियों को अभी तक भरोसे में नहीं ले सकी है। जमीन अधिग्रहण के कानून के तहत ग्राम सभाओं की अनुमति और रजामंदी के बिना सरकार जमीन अधिग्रहण नहीं कर सकती है। सरकार ने आदिवासियों को कई तरह के फायदे बताए हैं, लेकिन आदिवासी सरकार के वादों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। इसकी एक वजह तो सीधी सी है कि इन वादों में आदिवासी के लिए सुखद और सम्मानजनक जिंदगी की तस्वीर दिखाई नहीं देती है। दूसरी वजह यह है कि अभी तक विस्थापन और पुनर्वास का जो रिकॉर्ड देश में रहा है उसने आदिवासियों में इस तरह की परियोजनाओं के प्रति संदेह को ही बढ़ाया है।